हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल SMIA पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते रहते हैं। तो आज भी हम आपको बताने जा रहे हैं एक होटल स्टॉक जो कि आपको आने वाले टाइम में बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है, और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी टॉप पिक आई हुई है ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द डिमांड रिवाइवल। जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे देश में इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, लॉकडाउन का इफेक्ट कम हो रहा है, और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, और लोग जो है वो अपना होटल्स एंड टूरिज्म के लिए बुकिंग कर रहे हैं। तो इसलिए होटल सेक्टर में बहुत ही कंटिन्यूसली डिमांड देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में होटल स्टॉक्स में बहुत ही तेज़ी देखी गई थी। तो आज हम बताएंगे एक टॉप स्टॉक टू बाई, एंड दिस स्टॉक कैन गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स इन द कमिंग ईयर्स। तो देखेंगे कौन सा है वो स्टॉक, उसके टेक्निकल्स भी देखेंगे, उसका बिजनेस मॉडल भी देखेंगे, और उस कंपनी के टेक्निकल जो हैं चार्ट की भी स्टडी करेंगे। आप अंत तक हमारे वीडियो को सुन लीजिएगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले होटल इंडस्ट्री के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है उसको डिस्कस कर लेते हैं। द होटल एंड ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स हैव बिन बजिंग सिंस द पास्ट फ्यू सेशंस ऑन द बैक ऑफ री ओपनिंग मोमेंटम इन द इंडिया। फर्दर मोर, रिपोर्ट सुजेस्ट दैट द गवर्नमेंट इज इन टॉक्स विद री ओपनिंग ऑफ द बॉर्डर्स टू द फॉरन टूरिस्ट इन ए बिड टू रिवाइव द टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन सेक्टर्स इन द कंट्री अमिड ए स्टेडी डिक्लाइन इन द कोविड केसेस। तो जो हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि हमारे देश में अब कोविड का इफेक्ट काफ़ी कम हो गया है, कोविड के केसेस भी रिड्यूस हो रहे हैं, इसलिए हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन सेक्टर को प्रमोट करने जा रही है, और बॉर्डर्स को भी ओपन करने जा रही है, और जो एयरलाइंस है उनको भी ओपन करने जा रही है। द सेकेंड कोविड वेव डिलेड द रिकवरी इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बाई अ कपल ऑफ क्वार्टर्स। हाउएवर द इम्पैक्ट दिस टाइम अराउंड वाज लेस सिवियर एंड द रिकवरी वाज क्विकर एज कम्पेयर टू द लास्ट वन। दिस हैज बिन सेड बाई द मोतीलाल ओसवाल इन ए नोट, एडिंग दैट द रिकवरी विल बी फर्दर एडेड बाई द फॉरन टूरिस्ट अराइवल्स। तो जैसे जैसे हमारे देश में फॉरन से टूरिस्ट आएंगे तो हमारे देश में भी इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो देखने को मिलेगी, ऐसा कहना है मोतीलाल ओसवाल का। विद ए लॉट ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट्स हैविंग आस्क द एम्प्लॉयज हु हैव कम्प्लीटेड देयर वैक्सीनेशन टू रिटर्न टू ऑफिस, डोमेस्टिक कॉर्पोरेट ट्रैवल इज ऑल्सो लाइकली टू रिटर्न इन ए कपल ऑफ क्वार्टर्स। तो आप देख सकते हो, आप जो है डोमेस्टिक ट्रैवल जो है वो भी ओपन होने जा रहा है, और आने वाले टाइम में भी, आने वाले क्वार्टर्स में भी इसकी पॉजिटिव ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। विद द गवर्नमेंट ओपनिंग द ट्रैवल FTAs वुड प्रोवाइड ए एडिशनल लेग ऑफ द डिमांड। तो डोमेस्टिक लेवल पे भी जो टूरिस्ट हैं वो भी ओपन होंगे, वो भी बढ़ेंगे, और जो फॉरेन टूरिस्ट हैं दे विल आल्सो स्टार्ट ट्रैवलिंग इंडिया, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसलिए मोतीलाल ओसवाल ने एक बाई दी हुई है ऑन द इंडियन होटल्स कंपनी एंड लेमन ट्रीज फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री स्पेस। तो दोनों ही स्टॉक बहुत ही बढ़िया हैं, आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं, और अब ये बेस्ट टाइम है कि आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट करके चलें, क्योंकि इकोनॉमिक रिवाइवल जैसे जैसे होगी तो इन स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। इट एक्सपेक्ट्स द रिकवरी फॉर द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री टू बी एडेड बाई द डिमांड फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेवलर्स एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो इंडियन होटल्स का जो स्टॉक है बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है, इस पर हम आज इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। पहले एक दिन में इसकी बहुत ही बड़ी रैली देखी गई है, आज के दिन इस स्टॉक में नियरली 7% के अराउंड तेज़ी देखी गई है। तो इस स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है दैट वाज एट ₹185। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बड़े यहाँ पे रैली और बहुत ही बड़ी यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिली है इस स्टॉक में। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि इंडियन टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग सेक्टर में बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। जैसे जैसे ओपन हो रहा है हमारे देश की इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिवाइवल हो रही है, टूरिज्म सेक्टर भी ओपन हो रहा है, एविएशन सेक्टर भी ओपन हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी सेक्शन जो है वो भी ओपन हो रहा है, तो इसलिए इन सेक्टर्स में बहुत ही तेज़ी देखी जा रही है। लास्ट 5 डे का डाटा देखें तो यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। इंडियन होटल्स के स्टॉक में आप देख सकते हो 20% के अराउंड तेज़ी देखने को मिली है, यहाँ पर आप बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो इस स्टॉक की जो सपोर्ट लेवल है ये कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं, जो हायर सपोर्ट लेवल है दैट इज़ एट अराउंड 173।
इसका जो लोअर सपोर्ट लेवल है दैट वाज एट ₹158, इसका जो सबसे लोएस्ट सपोर्ट लेवल है दैट इज नियर अराउंड 150। तो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूलिश ट्रेंड इस स्टॉक में बन रहा है। इस कंपनी के जो इस स्टॉक के जो सपोर्ट लेवल हैं वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं और ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है। यदि पास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे 32% के अराउंड रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है और 150 का इसका जो सपोर्ट लेवल है बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है। यदि इसकी 6 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे 70.59% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इसका जो सबसे लोएस्ट सपोर्ट लेवल था दैट वाज 100 नियरली, तो उसके बाद इस स्टॉक ने बहुत ही पॉजिटिव अप ट्रेंड शो किया हुआ है। ये आजकल के दिनों में दैट इज इन द लास्ट 5 डेज इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी ब्रेकआउट रैली देखने को मिली है। यदि वो लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे भी 103% के मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिले हैं और इस स्टॉक ने एक साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। तो आप देख सकते हो कहीं पे भी आपको इतनी बढ़िया रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे, जहाँ आप अपने पैसे जो है स्टॉक मार्केट में लगाओगे ताँ तो ही आपको इतने बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में लगाओगे, अच्छे क्वालिटी में स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है, यदि कोई भी स्टॉक लो वैल्यूएशन पर मिलता है तो ही आप उसमें एंटर करें। अब इस स्टॉक की जो प्राइस है बहुत ही हाई हो चुकी है तो आप इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाई करते रहें, जैसे ही इसमें कोई डिप आता है, जैसे ही कोई बड़ी सी करेक्शन आती है तो आप इस स्टॉक को जो है और ऐड करें, सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, तो ही आने वाले टाइम में आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो एंड में आपको यही कहना चाहते हैं, टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग सेक्टर जो है वो आने वाले टाइम में ग्रो करेगा, तो इंडियन होटल्स एक लेमन होटल्स ये बेस्ट स्टॉक्स हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इंडियन होटल्स का हमने आपको स्टॉक एनालिसिस किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हो। हमने आपको सपोर्ट लेवल भी बताए हैं तो हमने इसके जो टारगेट भी आपको बताए हैं। तो एंड में हम आपका थैंक्स कहते हैं, आपने हमारे वीडियो को सुना, आप हमारे साथ जुड़िएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो ही हम आगे और वीडियोज़ बना सकते हैं, तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगी, तो ही हमें इनक्रेजमेंट मिलेगी और आने वाले टाइम में भी हम और मेहनत करेंगे। आप हमें कोई भी कमेंट करके अपना जो है व्यू बता सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज़, और आप हमें चैनल के रिगार्डिंग कोई भी जो है सुजेशन दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपका जो है अपने चैनल को इम्प्रूव करेंगे आने वाले टाइम में और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंगली उनको भी फुलफिल करेंगे। सो थैंक्स अगेन, वी विल मीट यू विद ए न्यू वीडियो एंड न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया।